बहुत सारे भाई लोगों का ये क्वेश्चन था कि परफ्यूम और डीपी ऑयल का जो डोल्यूशन होता है वो कैसा होना चाहिए और उसका तरीका क्या होना चाहिए, और उसके बाद जो उनका टाइमिंग प्रोसेस है, मतलब डीपी ऑयल और परफ्यूम को मिक्स करने का टाइमिंग प्रोसेस क्या होता है और कितने दिन तक हमें जो है मिक्स करके रखनी चाहिए, उसके बारे में जो है बात करेंगे। और तीसरा टॉपिक उसमें जो होगी रेशियो निकालने का, क्योंकि बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको रेशियो के बारे में पता नहीं होता, और मेरे पास में जो बहुत सारे मैसेज जो है आए हुए थे और क्वेश्चन भी था कि जो है डीपिंग रेशियो एग्जैक्ट वो कितना होना चाहिए और हमें वो कैसे निकालना चाहिए, तो उसके बारे में भी जो है बात करेंगे। तो हेलो गाइस, मैं हूं मनीष, और कैसे हो आप सब? उम्मीद करते हैं कि आप सब अच्छे से होंगे। और टॉपिक में जाने से पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट, अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि अगरबत्ती बिजनेस से रिलेटेड ऐसी कुछ इन्फॉर्मेशन मैं देते रहता हूं। तो हम टॉपिक के ऊपर बात करते हैं। जैसा कि आप देख रहे होंगे कि कई सारे जो है जो जरूरत की चीज़ें हैं वो मैं रख लिया हूं यहां पास, और स्टेप बाय स्टेप जो है हम इस प्रोसेस को समझते हैं। और इस वीडियो को आप पूरा जरूर देखिए, स्किप बिल्कुल ना करें, नहीं तो आप कोई भी पॉइंट मिस कर जाएंगे तो आपको परेशानियाँ हो सकती है, या फिर वीडियो समझ में पूरा कम्प्लीटली आपको नहीं आएगा, तो वीडियो आप पूरा जरूर देखिए, एक छोटा सा रिक्वेस्ट है मेरा। तो सबसे पहले हमारा जो पहला प्रोसेस है उनके बारे में जानते हैं और थोड़ा सा सीखते हैं। तो जैसा कि ये कुछ परफ्यूम्स जो है रख लिए हैं हमने, और ये कुछ जार डिब्बे जो कि इसकी ज़रूरत पड़ेगी, और हमारे पास है ये डीपी ऑयल और ये वेट मशीन जो है हमने रख ली है। अब सबसे पहला जो डिलीशन का सही प्रोसेस होता है उसके बारे में थोड़ा सा बात करते हैं। जैसा कि अभी जो परफ्यूमिंग करने का कई कई लोगों का मेथड हो ये होता है कि अपना परफ्यूम रखे और एक डीपी ऑयल आप रखे और उसको डाइल्यूट किए 1:3, 1:4 जिस भी रेशियो में आप करते हो, और जो है डिपिंग प्रोसेस आप कर देते हो, मतलब अपनी स्टिक जो है अगरबत्ती को आप डिप कर देते हो और पैकिंग जो का प्रोसेस आप कर देते हो। एक्चुअल में होता क्या है कि ये जो है सही तरीका नहीं है, और जो हमारा परफ्यूम और डीपी ऑयल का जो मिक्सिंग प्रोसेस है, मतलब जो हमारे परफ्यूम में इंग्रेडिएंट्स जो मिले हुए हैं, जो कंपाउंड्स जो मिले हुए हैं और डीपी ऑयल, तो उन दोनों का आपस में जो है बॉन्डिंग और मिक्सिंग नहीं हो पाता। तो इसके लिए एक छोटा सा प्रोसेस आपको करना है, वो है डोलेशन का। अब डोलेशन आपको कैसे करना है वो मैं आपको बताने वाला हूँ। जैसा कि ये जार हमने रख लिया, और इसे आप अपने तरीके से कर सकते हैं, जितना आपका परफ्यूमिंग आपको करना होता है, जैसा 1/2 लीटर में कर लिए, 1 लीटर में कर लिए, 2 लीटर, 3 लीटर, जैसा आपका मार्केट प्रोसीजर आपका चलता है, डीपिंग का प्रोसेस आप करते हो उसके हिसाब से आप इस प्रोसेस को कर सकते हो। तो फिलहाल हम अभी जो है ये परफ्यूम में डोलेशन का प्रोसेस करते हैं। और ये हमारे पास परफ्यूम, तो सबसे पहले हम इसे जो है डिब्बे में डालते हैं। किसी भी चीज को किसी भी तरीके से अगर आपको मिक्स करना है, जैसा कि ये हमारा कोन हो गया और ये इस डिब्बे में, तो ये डिब्बा भी आपका क्लियरिंग होना चाहिए। मतलब अभी जैसा कि प्रोसेस आप देख रहे हो, मैं बहुत सारे डिब्बे में जो है अलग अलग मेथड में कुछ दिनों के लिए मिक्स करके रखता हूं, तो यही प्रोसेस अभी हमको करना है। तो आपको ध्यान देना है कि जिस परफ्यूम को आप डोलेशन करोगे उसमें वही चीज का परफ्यूम होना चाहिए और डिब्बा जो है आपका साफ होना चाहिए। जैसा कि अभी मान के चलिए हम जैस्मिन का कर रहे हैं, तो इसमें जैस्मिन का ही फ्लेवर आपको करना है, नहीं तो क्या होगा कि एक परफ्यूम का कंपाउंड दूसरे परफ्यूम में जाके मिक्स हो जाएगा, तो डिब्बा आपका साफ होना चाहिए। तो ये हम डाल देते हैं। अब ये है हमारा परफ्यूम, परफ्यूम को हम इसमें डाल देते हैं। एवरेज हमारा जो है परफ्यूम का वेट आया 5.4, मतलब 504 ग्राम का, काफी अच्छी स्मेल है इसकी। अब उसके बाद जो है हमें लेना है डीपी ऑयल, और अभी जो प्रोसेस है मेरा, अभी 1/2 लीटर हम लिए हैं परफ्यूम, और जो है हमारा 1:4 में जो है रेशियो होगा, और 1:4 के हिसाब से मैं 2 लीटर जो है ऐड करूंगा, 2 लीटर मतलब 2 केजी में, क्योंकि डीपी ऑयल्स और परफ्यूम केजी में आते हैं, तो इस चीज का भी आप ध्यान रखें, 2 लीटर अलग होता है और केजी जो है अलग होता है।
आप देख रहे होंगे कि हमने जो है डीपी ऑयल ऐड कर दिया और ये हमारा जो है डीपी ऑयल और परफ्यूम का कॉम्बिनेशन होने के बाद 2.5 लीटर का जो है कॉम्बिनेशन बनेगा, मतलब 2.5 केजी का कॉम्बिनेशन बनेगा। अब आगे प्रोसेस क्या होना चाहिए, आपको इसे अच्छे से सील पैक जो है करनी है। ये जो कप है वो आपको अच्छे से लगा लेनी है और लगाने के बाद जो है आपको ये ऊपर का ढक्कन जो है लगाना है। ये कैप आपको लगानी ही है, अगर ये कैप नहीं लगाओगे तो हमें क्या है, इसको मिक्स करने के लिए थोड़ा सा हिलाना पड़ेगा, सेक करना पड़ेगा। तो अगर कैप नहीं लगाओगे तो लीकेज जो है होने की संभावना है, मतलब लीकेज हो सकती है। ये हमारा प्रोसेस कंप्लीट हो गया, अब इसे हमें अच्छे से मिक्स करना है। इस तरीके से आपको जो है मिक्स करनी है, जैसा कि देख रहे हो। मिक्सिंग करने के प्रोसेस में आपको ये थोड़ा सा झाग दिखेगा, यहाँ पे ये झाग होनी ही चाहिए। तो एक्चुअल में क्या होगा, जो परफ्यूम और डीपी ऑयल का जो बॉन्डिंग है, जो कंपाउंड का बॉन्डिंग है, वो अच्छे से मिक्स हो जाएगा। ऐसा इसे इसलिए कह रहा हूँ कि जो भी हमारा परफ्यूम और डीपी ऑयल का जो बेस है वो बेस इसमें अच्छे से मिक्स हो जाए। तो ये हमारा प्रोसेस जो है कंप्लीट हो गया। और उसके बाद जो है हम बात करते हैं डीपिंग रेशियो के बारे में, कि डीपिंग रेशियो एक्चुअल में होता क्या है। जैसा कि हमारा जो स्टिक होता है, जो हमारी अगरबत्तियां होती है, वो 1 केजी के अंदर, मतलब 1 केजी आप अगर डीप करते हो तो कितना वो परफ्यूम एब्जॉर्ब करती है और एक्चुअल में जो है कितना होना चाहिए। तो जो सही रेशियो है वो है हमारा 250 ग्राम से लेके 300 ग्राम तक, मतलब 250 ग्राम से लेके 300 ग्राम तक एवरेज जो है अगर बत्तियां 1 केजी में वो परफ्यूम एब्जॉर्ब करना चाहिए। ये एक सही मेथड होता है। और इसके बाद जो हमारा परफ्यूमिंग होता है, मतलब इस रेशियो में अगर आपका परफ्यूमिंग आप कर रहे हो तो उसकी क्वालिटी बेटर होती है, मतलब वो उनका प्रोसेस जो फ्रेग्रेंस है वो लॉन्ग लास्टिंग होता है और जो है आपकी स्टिक में वो लंबे टाइम तक टिकती है। और उसके बाद हमको जो है डीपिंग रेशियो किस तरीके से निकालना होता है वो मैं अभी आपको करके दिखाऊंगा, तो आपको ये प्रोसेस भी समझ में आ जाएगा। जैसा कि अभी हमारे पास ये परफ्यूम है और जो पहले से जो मिक्सिंग का मेरा प्रोसेस होता है वो अभी नवरात्रि का टाइम होने की वजह से जो परफ्यूम्स हैं वो सारे खत्म हो चुके हैं। तो अभी हम इसी परफ्यूम को जो है यूज करेंगे। अब एक चीज आप ध्यान रखना कि ये परफ्यूम मैं अभी हार्ड एंड फास्ट में आपको करके दिखा रहा हूँ, क्योंकि और मेरे पास कोई परफ्यूम नहीं है। तो इसी परफ्यूम को हम यूज करेंगे और ये परफ्यूम आपको 3 डे, मतलब 3 दिन तक आपको मिक्स करके रखना है, उसके बाद ही आपको यूज करना है। आपको खाली एक जो है प्रोसेस मैं दिखा रहा हूं कि डीपिंग रेशियो एक्चुअल में किस तरीके से निकालना होता है। तो हम इसी परफ्यूम का भी जो है फिलहाल यूज करेंगे। उसके बाद ये है हमारा बर्तन और ये मैं एक छोटे स्केल में आपको करके दिखा रहा हूं। और ये बर्तन भी आप कोई भी बर्तन जब यूज करें तो उसको अच्छे से सफाई कर ले, ताकि जो आपका पुराना सिस्टम होता है, मतलब जो पुराना प्रोसेस होता है, तो कहीं कहीं जो परफ्यूम रुक जाता है तो उसको आप अच्छे से साफ कर लीजिए। अब उसके बाद जो है हमें लेनी है रॉ स्टिक, जैसा कि कुछ अगरबत्तियां मैं रखा हुआ हूं, तो आपको ये 1 केजी के अंदर लेनी है और 1 केजी में हमारा जो है एग्जैक्ट जो रेशियो है वो निकल के आएगा कि हमारी अगरबत्तियां कितना परफ्यूम एब्जॉर्ब कर रही है, उससे हमको पता लगेगा कि हमारी डीपिंग रेशियो क्या होगी। और कुछ रॉ स्टिक के बारे में मैंने वीडियोस बनाई हुई है, उनकी क्वालिटीज के बारे में और क्वालिटी कैसी होनी चाहिए उसके बारे में, तो वीडियो आप जरूर देखें। तो ये है हमारे पास अच्छी क्वालिटी में रॉ स्टिक और इसे हमें लेना है 1 केजी। तो हम अभी वेट कर लेते हैं। और इसे हम किसी भी बंडल पे थोड़ा एडजस्ट कर लेते हैं। अब इसे हमें जो है डीपिंग करना है। अभी इसे हमें दोनों तरफ से जो है डीपिंग करनी होगी, क्योंकि हमारा जो परफ्यूम का क्वांटिटी है वो बहुत कम है।
हमारा जो है एक बंडल जो है कंप्लीट हो चुका है। अब हम सेकंड को जो है डिपिंग जो है करते हैं। अब इसमें हमें एक चीज का और ध्यान देना होगा, जैसा कि आप कोई बंडल लेके जो है डिपिंग करते होंगे तो एक्चुअल में कम क्वांटिटी परफ्यूम में अगर डिपिंग करें तो कुछ बीच की स्टिक जो है छूट जाती है, तो उसको आपको ध्यान देना है। जैसा भी आप डिपिंग करें तो उसको चेक करें, और चेक करने के बाद बीच का स्टिक मतलब किसी भी साइज में बीच का स्टिक जो है आपको निकालनी है। उसके बाद आपको देखना है कि ये अच्छी तरीके से परफ्यूम में डूबा है कि नहीं, तभी आपका डिपिंग रेशियो एग्जैक्ट में निकल पाएगा। नहीं तो ऐसा होता है कि कभी कभी जो स्टिक होती है वो या तो रबड़ से बंधी होती है या फिर धागे वगैरह से, तो वो बंधने की वजह से क्या होता है कि परफ्यूम जो है अंदर तक नहीं जा पाता। तो उसके लिए आपको यही करना है कि कुछ स्टिक जो है बीच से आपको निकालनी है और आपको चेक करनी है। तो अभी हमारा जो है अच्छे से परफ्यूम इसमें अंदर तक पहुंच गई है। उसके बाद हमारा जो है डिपिंग प्रोसेस कंप्लीट हो जाने के बाद आपको कुछ टाइम के लिए इस स्टिक को छोड़ना होगा। मान के चलिए आप 6 से 8 घंटे आप इसको छोड़ के रखिए। अब हमारा फाइनल प्रोसेस डिपिंग रेशियो निकालने का, जैसा कि आप देख रहे होंगे कि स्टिक हमने अच्छे से डिप कर लिया है और परफ्यूम भी इसमें अच्छे से एब्जॉर्ब हो चुका है। अब इसके बाद हम इसे फिर से जो है वेट करते हैं, हमारा जो है वेट मशीन को जीरो में लेके। आपको दिख रहा होगा कि ये पूरा जीरो में है, जैसा कि आपको दिख रहा होगा कि ये जीरो में है, और अभी जो है हमारा जो हमारी अगरबत्तियां हैं उसको हम इसमें वेट करेंगे। तो आप देख सकते हैं कि जो फाइनल हमारा वेट इसमें निकल के आया है वो है हमारा 1 kg, मतलब 1 kg 266 ग्राम। मतलब इसमें 1 kg की तो हमारी अगरबत्तियां थी और 266 ग्राम जो है ये अगरबत्तियां परफ्यूम एब्जॉर्ब किया है। मतलब ये हम मान सकते हैं कि हमारा जो है डिपिंग रेशियो इसमें परफेक्ट है। 250 ग्राम से लेके 300 ग्राम के बीच में एवरेज होनी चाहिए, और अगर इससे कम हो या फिर इससे ज़्यादा हो, कम हो तो आपको परफ्यूम का जो रिजल्ट है वो सही नहीं मिलेगा। जैसा मान के चलिए कि 150 सोख लिया या फिर 200 सोख लिया तो इसमें आपको एक्यूरेट रिजल्ट नहीं आएगा, और इससे ज़्यादा हो गया मतलब 300 से ऊपर हो गया तो इस केस में क्या होगा कि आपकी जो कॉस्ट है वो बहुत ही ज़्यादा, परफ्यूम में तो क्वालिटी होगी आपकी अगरबत्ती में क्वालिटी होगी बट जो कॉस्ट है वो आपका काफ़ी आगे निकल जाएगा, मतलब थोड़ा महंगा हो जाएगा। और इसमें जो है जो एक्रेट जो फॉग निकलती है मतलब जो धुआं निकलती है वो बहुत ज़्यादा ही निकलने लग जाएगी, क्योंकि ये तेल जो हमारा परफ्यूम होता है और डीपी वो काफ़ी ज़्यादा हद तक सोख लेता है। 300 से ऊपर मान के चलिए 350 किसी किसी का आता है, 350 तक आ जाता है और किसी किसी का 400 तक भी चले जाता है। तो इस केस में आपको ये होगा कि आपकी जो है पहली चीज़ तो इसमें जो धुआं होगा वो काफ़ी तेज निकलेगा और काफ़ी ज़्यादा क्वांटिटी में निकलेगा, और दूसरी चीज़ आपकी कॉस्ट जो है बढ़ जाएगी। तो इस चीज़ को आप ज़रूर ध्यान दें। और जो भाई मेरे से क्वेश्चन किए थे कि डिपिंग रेशियो एक्चुअल में निकालना कैसे है, तो आपको ये मेथड पूरा समझ में आ गया होगा और मैं कम्प्लीटली ये चीज़ें आपको बता चुका हूँ। तो इन चीज़ों का आप ध्यान रखें, आपका डिपिंग रेशियो एवरेज 250 से लेके 300 ग्राम तक होनी चाहिए। तो उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा और कुछ सीखने को आपको ज़रूर मिला होगा। तो मिलते हैं अगले कुछ नए टॉपिक में नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।